आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करी छी। हम अजय शाह शिवाली। पूस 5 गते प्रधानमंत्री की सिफारिश में राष्ट्रपति से संसद विघटन कैल गए। एकर बाद देश में राजनीतिक हलचल मच गए कि प्रधानमंत्री संविधान के पालना नहीं कलक आ जबरदस्ती संसद विघटन कह दिल्क। ये मुद्दा अखन अदालत में विचाराधीन है। 22 गते इजलास भेले ते के बाद फिर 29 गते इजलास है। किस दिन और समय लाग सकय एकर फैसला आवे। एम्हर ओली पक्ष बाहे के बात करी तो प्रचंड माधव समूह, जसपा, नेपाली कांग्रेस सहित के दल सब अखन सड़क पर से एक किस्म से विरोध कर रहा है। वो सब कह रहा है पुनर्स्थापना हेबाक चाहिए संसद के। तहिना अदालत के निर्णय सेहो हम सब मान तैयार छी, सेहो ओ सब कह रहा है। आई अहि विषय में चर्चा कर जा रहा है कि आब के निकास की छे वास्तव में आ दल सब केना का आगा बढ़ रहा है, विरोध भ रहा है, एकर गंतव्य कत तक जेते। त अखन जुड़ल छे राजेंद्र महतो, ओ जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता छे। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। महतो जी, कार्यक्रम में स्वागत छे। धन्यवाद। ई जे घटनाक्रम अखन जे हिसाब से डेवलप भेले य, प्रधानमंत्री से सदन विघटन कैल गेले, अहाँ सब सड़क पर चलि आयल छी, की कहबै शुरुआत में इएह क्वेश्चन से? देखियो की छै कि अभी प्रधानमंत्री जे काज कलकै यऽ, आ हम सब कह रहल छियै कि संविधान विपरीत काज कलकै। संविधान में जे बात लिखले नहि छै से बात प्रधानमंत्री जी कलकै यऽ, प्रतिगमन कलकै, प्रतिगामी कदम भेलै, आ लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के विपरीत भेलै। तऽ ताहि लेल एहि कदमके विरोध भऽ रहल छै पूरे देशमे। हमरा सबके पार्टी आओर अन्य पार्टी भी एहि कदमके विरोध कऽ रहल छै कि लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताके विपरीत काज भेलै आओर ई ट्रेंड ठीक नहि भेलै। एहि लेल ई गलत काज छै, एहन गलत काजके स्वीकार नहि कयल जा सकै छै, आ ताहि लेल विरोध छै एकर। आब एक दिस तऽ ई मुद्दा अखन अदालत में छै, विचाराधीन छै, एकर फैसला तऽ हेबे करतै नहि। दोसर दिस बात कयल जाय तऽ सब दल कतौ ने कतौ सड़क पर देखल जा रहल छै, चाहे पक्ष के बात हो या विपक्ष के बात हो। ती माहौल जे हिसाब से सृजना भ रहल छै तऽ वास्तव में जे हिसाब से प्रधानमंत्री से कदम उठाओल गेलै तेकर विरोध मात्रे छै या आओर दोसरो चीज छै? कैलाकि राष्ट्रपति से तो इहो कहल गेल छै कि बैसाख के 17 गते आ 27 गते चुनाव के सेहो घोषणा कयल जा चुकल छै। तऽ अहाँ सब जे अखन विरोध कऽ रहल छियै से सदन पुनर्स्थापना के लेल विरोध भ रहल छै या आइ के बल पर कतौ ने कतौ ई देखऽ वाला बात छै? आ दोसर बात कि चुनाव के तैयारी तऽ नहि भ रहल छै, मतलब विरोधो कऽ रहल छियै या चुनाव के तैयारी कऽ रहल छियै? की छै कि पहिलका बात ई छै कि ई संविधान के ऊपर प्रहार भेल छै। वास्तव में संविधान अपने आप में ठीक संविधान नहीं छै। ई संविधान हम सब कहै छी, संविधान या दुनिया भी कहै छी, अधूरा संविधान छै, पूर्ण संविधान नहीं छै। और यहाँ तक कि हम सब कह रहल छी संविधान अपने आप में प्रतिगामी संविधान छै। जे प्रतिगामी संविधान ई सब मिलकर बनैले छी, केपी ओली एंड कंपनी, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, तत्कालीन तीनों महत्वपूर्ण पार्टी मिल के ई संविधान बनैले छै। और गोली चला के, दिन दहाड़े गोली चला के मधेसी जनता के छाती पर और माथा में गोली चला के रक्त रंजित संविधान ई सब जारी कल के जबरदस्ती। और जहाँ मधेस पूरे मधेस मातम मनबित रहे, ओते दिवाली मनबित रहे। तो एहन संविधान छै ई संविधान। यही मामला में प्रतिगामी संविधान के निर्माण कलके ई सब, कि आंदोलन के जतेक भी आंदोलन भेले, चाहे मधेस आंदोलन भेले, चाहे आदिवासी जनजाति के आंदोलन भेले, चाहे माओवादी जन विद्रोह रहे, दलित सबके आंदोलन भेले, थरुवट आंदोलन भेले, जतेक आंदोलन भेले अग्रगमन के लेल भेले,
कि संविधान में या अभी तक लेके जो व्यवस्था छे ओहिमे जनता के देश के जनता के अधिकार चाही, पहचान चाही, प्रतिनिधित्व चाही, तै लेल आय वाला संविधान में सब बात होए तै लेल आंदोलन भेल रहे। लेकिन संविधान बनबैत खुनी सब की कलके सब मिल के ओली प्रचंड कोइराला सब मिल के प्रतिगामी संविधान बनल के आंदोलन के एजेंडा के ताक पर रख के संविधान बनल के हमरे सबके मधेश के साथ रही समझौता भेल 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 बुदे समझौता वो 8 सूत्रीय समझौता गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस सभापति कैले रहे प्रतिगामी संविधान हाँ 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 ना केना बनल प्रतिगामी बनल केना बनल कनी बता दै छे कि वही संविधान वही समझौता में लिखल है कि अब देश के जनता के मधेशी आदिवासी जनजाति लगायत के जनता के अब ओकरा साथ विभेद नहीं हेतै ओकरा प्रदेश भेटतै अधिकार भेटतै पहचान भेटतै सब कुछ भेटतै सब कुछ लिखल है प्रतिनिधित्व भेटतै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधि सब कुछ लिखल है लेकिन संविधान बनबैत खुनी ओकरा ताक पर रख के संविधान बनलकै प्रचंड जे बोल से अहां सबके इच्छा विपरीत हेले या त मधेश के जे सेंटीमेंट खाली मधेश से नहीं खाली संविधान के ई देश के अधिकांश जनता ई संविधान के विरोध में रहे ई संविधान के ओकरा आकांक्षा अनुसार चाहे पहाड़ के जनजाति होए मधेश के मधेशी होए थारू होए दलित होए मुस्लिम होए जना आपने कहलिए कि ई प्रतिगमन क्या ले गए संविधान बनाकर संविधान एहन बने लेकिन उत्पीड़ित समुदाय जते छले चाहे मधेश के हो या पहाड़ के हो सब के बाईपास कर के संविधान आनल गए से अपने कह रहा है तो एक इहो प्रश्न आई बीच में उठाओल जा रहा है जखन प्रचंड आ माधव समूह आंदोलन करे छे ते प्रश्न नहीं उठे छे लेकिन जखन जसपा आंदोलन करे छे ते प्रश्न उठे छे प्रश्न ई छे कि जब जसपा के संविधाने प्रति असंतुष्टि छे तो संविधान बचवा के लेल एहन आलाप किया अखन आबि कऽ देखियो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा करे के लेल हम सब सड़क पर छिए लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता नहीं तो जसपा तो संविधान के नहीं माने छै से आरोप छै ने संविधान के लोकतांत्रिक मनपरी तंत्र तो नहीं कर सकै छै ने यो मनपरी तंत्र ओली तंत्र मनपरी तंत्र बदल गेलै कि ई संविधान में जे अपने कहबे के लिए पहले से मनपरी से रहल छै तो ई डबल प्रतिगमन भ गेलै एकटा प्रतिगमन बनबैत खुनी कलके ई सभे मिलके कलके आ वही में से एकटा महाबहादुर निकल गेलै महाप्रतिगमन क देलकै जे लिखले न रही से वो बात क देलकै अपना स्वार्थ रक्षा के लेल तो अपना स्वार्थ रक्षा के लेल ई सब किछो कर सकै छै देखू संविधान बनल जे बनलै तहियो ई सब अपना हित रक्षा के लेल संविधान बनलकै ई कुछ नस्लवादी चिंतन सोच रखे वाला शासक वर्ग के लोग जे संभ्रांत वर्ग के लोग अपना स्वार्थ रक्षा के लिए संविधान बनल के वास्तव में आम जनता के लिए संविधान बनेबे निकलके ना तो एक तो तहिया प्रतिगमन कलके अब कथी कहे छे संविधान बनबैत खुनी आ ओहू में केपी ओली ओहू में प्रतिगमन क देलके अपना स्वार्थ तहियो स्वार्थे रक्षा के लिए बनल आ वही संविधान से भी स्वार्थ रक्षा नहीं भेली केपी ओली के तो ओहू में प्रतिगमन क देलके संविधान के ऊपर कू क देलके तो तै लेल अभी के अवस्था अभी के संविधान रक्षा के लिए एकरा नहीं कहियो संविधान तो एहन संविधान जे काज लागे वाला संविधाने नहीं छी वास्तव में पूछबे तो लेकिन संवैधानिक मूल्य मान्यता तो चाहियो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता तो चाही ना लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता संविधान में जे बात लिखल छै ओकरा पालना तो करे के पड़ते ना न तो रक्षके भक्षक बन जाए तो कितनो निमन संविधान बना देला के बाद तो ओकरा यदि एना करती तो गड़बड़ा जाती ना लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा नहीं हेतै संवैधानिक मूल्य मान्यता के रक्षा नहीं हेतै एक तो गलत ई सब करबे कलकै ओहु गलत में गलत कर रहल छै ना तो ई की भविष्य के लेल भी घातक बात भ गेलै ना तो एकटा इहो प्रश्न उठै छै कि जहिया गलत केलकै जहिया प्रतिगामी संविधान आनल गेलै जहि हिसाब से अपने कहि रहल छै कि ई दोहरा छै डबल एक तक केलकै पहिले तक बाद फेर केलकै जी जी नहीं ई श्रृंखलाबद्ध भ रहल छै जी तो एकरा बढ़ावा के देलकै हम अपने से ई बुझा चाहै छी कि जहिया शुरू बेर ओहन किस्म के कदम उठाओल गेले जहिया उत्पीड़ित समुदाय के मधेशी के अधिकार सब वंचित कयल गेले आ संविधान आनल गेले तो तहिया मधेश के भी दल सब किया मन रहले किया आनल दल के संविधान अभी छे कि अहाँ के सारा दुनिया के जानकारी छे कि जब संविधान ई सब बनबैत रही तो मधेश सड़क पर रहे मधेश के लोग सड़क पर आई आदिवासी जनजाति सड़क पर है और ये घनघोर विरोध करित रहे ओकरा पर गोली चला के माथा छाती में गोलियों लग गई हाँ और संविधान हम वह कह रहे छी
संविधान जहाँ बनित रही ओत हम सब नहीं रही, मधेश के पार्टी तो कम से कम नहीं रहे ना, हमरा सभे रही सड़क पर, सात दल के गठबंधन, मतलब हमरा सबके सात दल रही मधेश, तहिया मधेश केन्द्रित सात दल हम सब सड़क पर रही, हम सब संविधान सभा में नहीं रही, ओहि में हमरा सबके हस्ताक्षर नहीं छे, तो जबरदस्ती सब फास्ट ट्रैक के नाम पर जबरदस्ती सारा मूल्य मान्यता के ताक पर रख करके संविधान मल की। देखियो की छे कि ई नया कोनो पहिलका घटना नहीं छे, एहि देश में ऐसे पहले छोटा संविधान बन चुकल छे, छोटा संविधान बनल, ये सातों संविधान छे, साथ साथ संविधान देश में बने और जनता के आकांक्षा पूरा नहीं होए, जनता के अधिकार पहचान नहीं भेटे, जनता के प्रति नहीं भेटे और देश समृद्धि के तरफ नहीं जाए, ये की भ रही देश में। अरे साथ साथ तो संविधान बनल तैयो जनता के आकांक्षा पूरा नहीं भ रहा है, केहन संविधान अब बनबीजिए, एक मतलब एक बात है कि संविधान बनै छै लेकिन जनता के लिए नहीं बनी, अपना लेल बनी, अपना स्वार्थ रक्षा के लिए। उ राणा शासन के देखियो, ई राजा महाराजा के देखियो, पंचायत काल के देखियो, होते होते कथी कहे बहुदलीय काल में भी अंतरिम संविधान बनल, अंतरिम संविधान में कम से कम समझौता के दस्तावेज रही बनल, लेकिन जब संविधान सभा के द्वारा जब बनल संविधान तो ओते खुनी वो अंतरिमो संविधान के सारा बात ताक पर रख के संविधान बन के। अब अखनका इंसिडेंट के छोड़ देल जाए, अखनका जे घटना छे तेकरा अगर छोड़ देल जाए तो ऐसे पहलका जे बात करी तो कतो न कतो स्वीकारोक्ति तो छले ना सब के संविधान पर भेले बलिदानी भेले मधेशी सब के, लेकिन तैके बाद मौनता देखल गेले। हम ई अपने से पूछ रहल छी, ना ना से बात नहीं कहू किसी की, संविधान पूरे संविधान हम सब मानबे नहीं करी छी, से बात कभी नहीं कहली ना, संविधान के गलत प्रावधान के संशोधन हुए, सुधार हुए, जे संविधान में कहीं आधा अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है, जे पूरा नहीं है ओकरा पूरा कैल जाए, जे गलत प्रावधान छै ओकरा सुधार करू, संशोधन करू, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा तो करे के छै ने यो, एहि संविधान में लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के भी रक्षा करे के छै ने, हमरा सबके संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जे प्राप्त कई लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा तो करे के छै ना, ओहि में जे कमी कमजोरी त्रुटि छै, जे देश के आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम थारू लगायत जे अधिकार से वंचित जो लोग छी ओकर अधिकार लिखियौ, पहचान लिखियौ, सीमांकन गड़बड़ कैले छी, प्रदेश निर्माण गड़बड़ कैले छी, संरचना गड़बड़ कैले छिए, जतने जते कहाँ सब गड़बड़ कैले छिए और घुमा फिरा के अपना लेल जे बनैले छिए ओकरा सभे के लेल बनैयौ, ई बहुल राष्ट्रीय राज्य छी कि एकल एक 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 करबे, सुनू सुनू, ई देश एकटा के नहीं छै, एकल जातीय राज्य नहीं छै, ई बहुल राष्ट्रीय राज्य छै, हिमाल पहाड़ तराई मधेश के आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम थारू बाहुन क्षेत्री दलित सभे के देश छै ने यो, एक सब जे देश में जतेक छै सभे के देश छै, ताहि लेल संविधान निर्माण अहाँ करी खुनी अपना लेल बनबै, एकल संविधान बनबै, एकल शासन चलबै तऽ नहि हेतै ना, एहि देश के सबसे बड़का समस्या ई सभे बात के एकटा समस्या छै कि एहि देश एकल नहीं छै और एकल ढंग से चलाबे के प्रयास भेलै, संविधान होए चाहे शासन होए, शासन देखियौ राणा शासन से पंचायत निरंकुश पंचायत शासन, तकर बाद बहुदलीय लोकतंत्र, तकर बाद गणतंत्र अयला के बाद भी देश के जनता कला असंतुष्ट छै, एहि देश के अधिकांश जनता कला असंतुष्ट छै, मधेशी जनजाति मुस्लिम थारू लगाए बाहुन क्षेत्री भी असंतुष्ट छै देश में, एक एक मिनट बीच में अहाँ पूरा बात सुनियो ना, मतलब संविधान और शासन एकल चलाबे के प्रयास भेलै कि देश में, जबकि देश बहुलता से भरल देश है, बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में देश के स्थापित करे के पड़ते, स्वीकार करे के पड़ते और बहुल राष्ट्रीय राज्य के मान्यता के आधार पर संविधान और शासन संचालन और बनाबे के काज हेतु तेई दिन जाके ई समस्या हल हेतु, न तो अहाँ जो कहली ना कि चुनाव के बाद भर रहा है, पुनर्स्थापन के बाद भर रहा है ना, ये की है, स्थायी समाधान तो नहीं है ना, अरे चुनाव या पुनर्स्थापन एक पक्ष कह रहा है, चर्चा करब हाँ। फिर हम अपने से ये बुझा चाहे छी अही विषय में केंद्रित कर जाए जाहिर का घटनाक्रम छे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा में कहे छे जे संविधान के पूर्ण रूप में पालना कैल गेले 76-7 के अनुसार हम सदन विघटन केने छे, प्रश्न रूप में लिखल छे संविधान में हुनकर धारणा छे, राष्ट्रीय सभा में ठाड़ भऽ के उभरल छे, दोसर दिस सर्वोच्चमे मुद्दा पड़ल छे, जे पूर्व न्यायाधीश सब विज्ञप्ति निकालने छथि हुनको सब पर आक्रोश व्यक्त कर रहल छै प्रधानमंत्री, तऽ अपने एकरा कोन रूप में लड़ रहल छै, प्रधानमंत्री कह रहल छै संविधान में लिखले छै अहाँ सब झूठो के सड़क पर चलि रहल छै, अब किछु की हमरो सब कह रहल छी कि गलत बात भेलै, जब तक वैकल्पिक अवस्था छै सरकार बने के तब तक ई काज नहि करय के चाही, गलत भेलै, अपना कुर्सी के लाइ एकटा कम्युनिस्ट पार्टी
तब जनता जनता के दोष नहीं छे ना यो जनता के दोष नहीं छे जनता कल विद्युत यही चाहिए जनता दिलकै उदार होके दिलकै स्थिरता के लिए विकास के लिए समृद्धि के लिए संविधान में पूर्णता देवे के लिए लेकिन ही कम्युनिस्ट पार्टी की कलकै अपना कुर्सी रक्षा के लिए कि हम कुर्सी पर बैसबो तो हम बैसबो मतलब स्वार्थ के लड़ाई में प्रतिनिधि सभा के भी गठन कलके और संविधान में वो जो धारा प्रयोग कलके धारा में ये बात तो नहीं लिखल छे जो व्याख्या कर रहा छे हमरा समझ से ये बात नहीं लिखल छे हम सबसे कह रहा छे बात लिखल नहीं छो संविधान में जो बात नहीं लिखल से बात तू कह ले से अहां सब डराय छे चुनाव में जायला चुनाव में जाए सके लड़ाई है ते पहलका बात ये कि संविधान के व्याख्या अदालत करती ठीक है अदालत में केस अदालत में गेल छे अदालत के लोकतंत्र में अदालत के निर्णय मानल जाए छे तो वो अदालत जो फैसला करते वो फैसला तो ऐबे करते ना फैसला जो फैसला के अनुसार सब पार्टी जो लोकतंत्र भरोसा करे मानते जते तो हो दियो फैसला कोई बात नहीं जो फैसला होती अनुसार इसलिए चुनाव में जाए से डराए के तो बातें नहीं है ना जो लोकतंत्र में चुनाव में जाए से क्या डराई कहीं कोई डराए के जरूरत नहीं है कोई कहीं डराए के अवस्थे नहीं है ना कला डरत है ते हमरो सके चुनाव में जाए से कोई बात नहीं है चुनाव में अदालत यदि फैसला करती तो हमरा सको ओती कुनी बात स्वीकार करे के अवस्था बनते लेकिन हमरा सके ई मान्यता है कि स्थायी समाधान नहीं है चाहे यहाँ पुनर्स्थापन करवा लिए तैयो समाधान नहीं है या चुनाव करा लिए तैयो स्थायी समाधान नहीं है से हम कह रहा छी हम यही लेल कह रहा छी बात कि पुनर्स्थापन करबै तो फिर संसद आबि जतै तो दोसर के पी ओली फिर पैदा भ के फिर एना कर सकै छै यो ई प्रतिगमन फिर कर सकै छै स्वार्थ रक्षा के लेल ई तो स्वार्थी सब अपना रक्षा के लेल संविधान स्वार्थ के रक्षा के लेल बनेले पुनर्स्थापन करबै फिर एहन दोसर कोनो कोई के पी ओली पैदा हेतै और चुनाव करबै तो फिर वह संसद बनते यही संविधान के तहत अगर कैल जेतै तो नहीं भ सकै छै लेकिन चुनाव अगर करावे तो भ सकै छै चुनाव करैला के बाद भी नया प्रधानमंत्री जे बनते से तो काले में जाकर फिर विघटन कर देते तो नया चुनाव भेला पर तो भ सकै छै चुनाव होला के बाद भी एने के पूरी पैदा नहीं हेतै अगर कोन गारंटी छै वहे तो हम कह रहल छी चुनाव भेला के बाद भ सकै छै लेकिन अगर पुनर्स्थापन कैल जाए तो नहीं भ सकै छै नहीं पुनर्स्थापन या कि अदालत नजीर स्थापित कर कि विघटन नहीं कर सकै और बाप रे बाप अदालत संविधान में लिखले अदालत व्याख्या करती लेकिन स्वार्थ रक्षा के लेल कुछो करै छै नहीं सब ये तो मन परितंत्र करी छे ना यो शासक वर्ग के कुछ लोग छे उ तो संविधान के दुरुपयोग करी छे ना संविधान में लिखल रहे ना लिखल रहे अदालत के फैसला किछो भ जाए लेकिन अपना स्वार्थ के लिए तो काज करबे करी छे ना तो ते लेल जब तक ही देश देखियो अपनत्व तो पूरे देश के होबे के चाहिए कि पूरे देश के जनता के अपनत्व तो जे दिन भ जते उ दिन कोनो साहस हिम्मत नहीं कर सके आई संविधान के प्रति अहाँ ठीक कहली ना ऐ संविधान के प्रति देश के अधिकांश जनता के आसक्ति नहीं है लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा के लिए मात्र हम सब लड़ रहा छी ई संविधान के प्रावधान तो गलत है ना ई संविधान के अवसान भ जाए तो इमें बहुत बहुत क्षति है बहुत क्षति है हाँ तो यही अवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के रक्षा करे के लिए ऐ लेल पूरे संविधान सभी जनता के अपनत्व तो होय वाला संविधान के निर्माण होबे के चाहिए उसमें सुधार होबे के चाहिए संशोधन होबे के चाहिए से अधिकांश जनता के मांग है देश के जनता के मांग है से नहीं भ रहा है यही लेल स्थायी समाधान तो टेम्पोररी पुनर्स्थापन या निर्वाचन के बाद जो भ रहा है टेम्पोररी अपना अपना ढंग से व्याख्या भ रहा है टेम्पोररी रूप से एक रास्ता है लेकिन स्थायी रूप से देश के शासन और संविधान जब तक सभी पूरे देश के जनता के लिए जब तक नहीं बनते नहीं करते तब तक ये प्रतिगमन सर्तिगमन अत्याचार अन्याय भेदभाव ये सब होते रहते यही लेल स्थायी समाधान है ये देश बहुलता से भरल देश है बहुल राष्ट्रीय राज्य के रूप में देश के स्थापित करे के चाहिए नेपाल संपूर्ण नेपाली के है नेपाल सभे हिमाल पहाड़ तराई मधेश में बैसे वाला सभे नेपाली के मधेशियों के संविधान दलित जनजाति सबके नेपाल संविधान के एक परिमार्जन कैल जाए एक महत्वपूर्ण बात अपने जे कहली जै अनुसार कहली एकर जिस्त इएह छै संविधान परिमार्जन कैल जाए एकरा सब कोई मान अब संविधान सुनो सुनो ई सबसे बड़का दुखद बात है इसमें की मालूम है संविधान के बाइबल कुरान गीता महाभारती से बना दी एक लिख दिलियो तो में कुछ परिवर्तन नहीं होते फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज नहीं होते तो क्यों संविधान नाश भ जाए ना यह कारण कि 600 संविधान खत्म हो सातों संविधान भी खत्म होए वाला है और आठों संविधान बनाबे के तैयारी हो रही देश में हम सब कहली ना अरे बनाबे वाला रक्षक ही भक्षक होए वाला छो जे सब बनलको वह सब के पी ओली प्रचंड और कोयराला इन कंपनी कांग्रेस माले माओवादी तत्कालीन वह सब संविधान बन के वह सब संविधान के धराप में भी पड़ल के
ओ अपना स्वार्थ में संविधान के अथी पर चढ़ा दिले छै तैलेल एहन किस्म के अवस्था जे एलै तऽ अपने सब विपक्षी छियै नेपाली कांग्रेस के बाद जसपा दोसर सबसे बड़का विपक्षी अपने छियै तऽ हम अपने से ई बुझऽ चाहै छी एहन अवस्था सृजना किया भेलै जैसे कि संविधाने खतरा में पहुंच जाए तो एहन अवस्था सृजना हो नहीं देव के लिए जै हिसाब से अहाँ सबके चेक एंड बैलेंस कहल जाए छे ने विपक्षी के भूमिका होइ छे ने ई सब के बचावी रक्षा करी संविधान के अगर कोई गलत ट्रैक में जा रहल छे तो ओकरा सही ट्रैक में आनी तो विपक्षी किया मौका सामने वह तक भर रहल छे सारा भर रहल छे ने त ये करक चाहि ने मतलब एहन रास्ता में जा सके से त एकटा आकलन त किने होबे ने हम सब त ये कहलिए जे संविधान बनि रहित हे कहली गलत संविधान बन रहल छौ रे ई गलत संविधान नहीं बनो ई पूरे देश के जनता के लेल नहीं भेलो त जबरदस्ती सब कल पिछला घटना के विषय में हां ना ना ई संविधान बनले तही हम सब कहलिए तेकरा बाद ई सब प्रतिगमन कल के अभी केपी ओली प्रतिगमन कल के तभियो कह रहल छी कि तू गलत कहले तहियो गलत अभियो गलत तहियो प्रतिगमन प्रतिगमन के ऊपर प्रतिगमन तू कहले और ई गलत कहले तकर विरोध भ रहल है यही लेल थाई समाधान के तरफ हम जाय चाहै छी कि देश में थाई समाधान होय ए देश में स्थिरता आवे देश के जनता के अधिकार और पहचान भेटे देखियो एतेक गरीबी के तरफ नेपाल जा रहल है नेपाल दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्र के दर्जा में नेपाल जा रहल है यही से कहाँ देश के ले जब देश के शासन और संविधान देश के समृद्धि और प्रगति के लिए होब के चाहिए ना जनता के समृद्धि के लिए होब के चाहिए ना तो अब की भर रहा है देश के सारा मतलब देश गरीबी के तरफ जा रहा है 50 लाख अहाँ नेपाली जनता कथी युवा पीढ़ी बाहर विदेश में प्रकृति सब कुछ दिल्क देश के अब संपन्न हो के अब वरदान दिल्क देश के लेकिन शासन ई शासक जे नस्लीय चिंतन सोच वाला कुछ लोग छै शासक वर्ग संभ्रांत जे कुछ लोग छै अपन स्वास्थ्य रक्षा के लेल ओकरा अलावा तो कुछ काजे निकल के उ राणा शासन देखियो उ राजा महाराजा के देखियो आई अभी अभी नस्लीय चिंतन सोच वाला कुछ लोग छै उ सब देश के बर्बाद कर देलकै और जना जसपा सड़क पर छै नेपाली कांग्रेस सड़क पर छै प्रचंड माधव समूह सड़क पर छै दोसर दिस देखल जाए तो ओली समूह सेहो विभिन्न ठाव में सभा करते आबि रहल छै एक किस्म से कही तो ओहो सब कोनो न कोनो हिसाब से सड़क पर छै पक्ष में होय सड़क पर छै तो हम अपने से ई बुझ चाहै छी कि पुनर्स्थापना कि चुनाव प्राथमिकता कथी हमरा सबके तो थाई समाधान न में से एकटा अगर छाना पड़े तो अपने सब की थाई समाधान न पुनर्स्थापन छै पुनर्स्थापना छै ना चुनाव छै थाई समाधान होनी छै नै अस्थाये कह जाय ना कथी छै त अस्थाई अभी त हम सब पुनर्स्थापन के बात कर रहल छी कि जे प्रतिगमन भेलै उ प्रतिगमन के करेक्शन करे के लेल संसद पुनर्स्थापन कदी गेलै प्रति सह पुनर्स्थापन क दियौ है ना त अभी तक सेहे बात छै लेकिन ई केस अदालत में चल रहल छै अहाँ जे चर्चा केलिए चुनाव बात अदालत में चल रहल छै ना त ओकर व्याख्या सर्वोच्च अदालत कर दियौ सर्वोच्च अदालत के निर्णय हेतै तकरा बाद लेकिन विपक्षी सबके बात करी तो जेहन किस्म के माहौल देखल जा रहा है विभिन्न शहर में जै हिसाब से चरणबद्ध आंदोलन एक के बाद दोसर एक किस्म से कही तो अहू में कंपटीशन चल रहा है कि हम एहन करबे तो ओ एहन करे तो हम ऐसे बढ़िया करबे तो से तो चल रहा है तो कतौ न कतौ जै हिसाब से अखन विरोध प्रदर्शन भ रहा है विरोध सभा भ रहा है जन प्रदर्शन भ रहा है तो ओकर रूप देखला पर ई नै लगै छै कि वास्तव में विरोध मात्रे छै कतौ न कतौ अइ में चुनाव के गंध सेहो आबि रहल छै उ त देखि अइ में की कहबै ई सके छै उ त नेपाली कांग्रेस चरित्र देखला के बाद लोग एना अनुमान लगा रहल छै नेपाली कांग्रेस में दुटा धार छै और एकटा चुनाव एकटा अपना दुनू बात भ रहल छै जसपा में सेहो आबि रहल छै अलग अलग नेता के अलग अलग बात आबि रहल छै चुनाव के पक्ष में छै जसपा ई प्रतिगमन के विरोध में छै प्रतिगमन के विरोध सब छै ने हां प्रतिगमन के विरोध में छै और अदालत यदि अदालत के फैसला जे हेतै ओकरा जसपा माने के अवस्था में छै जब कभी सर्वोच्च अदालत के मान लै ने एकटा निकाय के त मान के पड़ै छै लोकतंत्र में विश्वास करे वाला अदालत के फैसला की छै तेकरो लोग इंतजार कर रहल छै अदालत के फैसला के प्रतीक्षा किया ने कयल गेलै नहीं फिर प्रतिगमन के विरोध तो हेबे करतै ना प्रतिगमन भेलै तब लोग प्रतिगमन नहीं कहतै गलत काज भेलै तो गलत नहीं कहतै जनता के तो अधिकार है कहे के नहीं हो उ तो कहबे करते हैं मात्र हुआ के चाहिए ना कतो ने कतो विरोध तो छै लेकिन ओ जे संग संग ओ जे इहो देखल जा रहल छै कि चुनाव के माहौल तो नहीं पिन रहल छै चुनाव के माहौल चुनाव तो आइ निकाल तो हेबे करते ना
चुनाव साल बाद हेतै ने अगर पुनर्स्थापना भए छै तो दू साल बाद हेतै जरूरी पुनर्स्थापन के बाद तुरंत चुनाव नहीं तो कोई जरूरी है पुनर्स्थापन भ गेला के बाद में कहीं के पी ओली के जो कहे विकल्प बनिए नहीं सके सरकार कहीं वह अवस्था बन जाते हाँ प्रयोग संविधान के धारा प्रयोग करत 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 हाँ हाँ करत करत कहीं एहन अवस्था आ जाए कि कोनो सरकार बनी के अवस्था नहीं बने तो फेनू तो वह बात है चुनाव के बाद चुनाव से डराए के बात नहीं है खाली प्रक्रिया गलत कल की बात है चुनाव वह धारा सब प्रयोग करित करित कौन सरकार बने के अवस्था नहीं बने आ तब विघटन में जीती तब तो चुनाव संवैधानिक चुनाव हो जीती ना लेकिन ये धारा प्रयोग कनी गड़बड़ अपना स्वार्थ के लिए कुर्सी रक्षा के लिए करके से न भर रहा है तेल चुनाव से भाई के तो बाते नहीं है चुनाव से चुनाव में जा ही के छे ना चुनाव में कल कल कोनो डरते हमरा चुनाव से नहीं डराई छे चुनाव के माहौल बना जा बनाओ जा रहा है सीधे देखल जा रहा है ना से बात अपने एग्री कर रहा छी कि वास्तव में माहौल बन रहा छी चुनाव कैसी हो कतो नहीं कतो देखिए पार्टी जब कार्यक्रम करे छी त आंदोलन में जाई त कार्यकर्ता पार्टी संगठन सक्रिय तो होबे करी छी ना ऊर्जा लेकिन पर यो प्रश्न उठे छै जौ अगर पूर्ण रूपे विरोध छै कि लोकतंत्र खतरा में छै संविधान के विरुद्ध प्रधानमंत्री आगा बढ़ले त विशुद्ध रूप में विरोध हो के चाही मात्र न कि चुनाव के तैयारी हो के चाही ओ चुनाव के तैयारी त देखो दोनों बात आबि रहल है ना दोनों बात हम कहलिए दोनों बात आबि रहल है पुनर्स्थापन या चुनाव अब की हेतै अदालत फैसला चुनाव के तरफ कहीं चल जतै तो ओती कोनी बाध्यता हेतै लोकतांत्रिक पार्टी सब के बाध्यता हेतै लेकिन नहीं बुझलिए तो तै लोग ओहो शंका करै छै चुनाव के तरफ जा सके हां हां लेकिन अपने जे हिसाब से कहलिए कि अगर चुनाव होइ छै ओइ चुनाव से प्रधानमंत्री जे चयन हेतै ओ काइले में जाके फिर संसद विघटन कह देतै जब सब विपक्षी दल जाने बात कि अगर चुनाव हो देश और संकट में फंस सके तो फिर चुनाव की तैयारी किया भीतरे भीतरे नहीं बुझलिए बात खाली हम सब कह रहा छी जनता समाजवादी पार्टी कह रहा छै संविधान बनाए वाला पार्टी थोड़ी बात कह रहा छै संविधान में त्रुटि छै संविधान में अधिकार से वंचित कैल गेलै एहि देश के अधिकांश जनता संविधान से असंतुष्ट छै कांग्रेस से माले माओवादी या पार्टी के मतलब एकीकृत होके कम्युनिस्ट पार्टी बनल छै या कांग्रेस पार्टी छै बात थोड़ी माने के लेते उसे गलती कैले छै ना आइयो गलती स्वीकार करके थोड़ी तैयार छै न तो संविधान संशोधन नहीं भेल रहती है उ जे अपूर्ण छै ओकरा पूरा नहीं कैले रहती है तो ई सब के लेल तैयारे नहीं छै ना ई तो यही घेरा में जे संविधान बनैले छै वही पेरीफेरी में देश को चलाबे जाइ छै अभियो तै लेल हम सब कह रहल छी देश में एकटा 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 पूर्ण क्रांति एकटा अंतिम एक देश में संघर्ष की आवश्यकता है आंदोलन की आवश्यकता है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति की आवश्यकता है राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की आवश्यकता है जे आंदोलन आई तक जतेक आंदोलन भेले वो आंदोलन के पूर्णता देवे के जरूरत है मजे से आंदोलन भी रास्ते पर रह गए अधिकार नहीं भेटे आंदोलन के एजेंडा पूरा नहीं भेले ना यहाँ आदिवासी जनजाति आंदोलन वो रास्ते पर रह गए थारू आंदोलन रास्ते पर देखो रेशम चौधरी जेल में थारू आंदोलनकारी जेल में यदि आंदोलन करना अपराध रही तो प्रचंड के भी जेल में जाए के चाहिए ना केपी ओली के जेल में जाए के चाहिए ना लेकिन रेशम चौधरी जेल में अहाँ के आदिवासी जनजाति आंदोलन रास्ते पर रह गए इवन माओवादी आंदोलन रास्ते पर रह गए तो सभी जतेक आंदोलन के एजेंडा रहे अग्रगामी एजेंडा रहे वो एजेंडा सब पूरा नहीं भेल छै ये हमरा बुझाइए कि एक पूर्ण आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन के आवश्यकता छै राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के आवश्यकता छै जे नेपाल सभे नेपाली के लिए निर्माण होए सभे नेपाली के लिए संविधान और शासन चले यही हिसाब से काज कर के लिए करवा के लिए लगे कि मतलब पुनर्स्थापना अगर भ जाए छै पुनर्स्थापना अगर भ जाए छै तो दू साल तक कमती में रहते अरे कौन ठेकान फिर कहली ना केपी ओली दूसरो केपी ओली पैदा जब स्वार्थ रक्षा के लिए स्वार्थे के लिए जब काज हो तो कैले मैंने अहाँ के प्रधानमंत्री फिर तो ये अदालत के नजीर लग फिर अथी कह सके विघटन कह सके वो तो बेसी घातक है ने से मतलब एनालिसिस कल गया कि नहीं वो तो हम पहले कहली कि स्थायी समाधान नहीं है कोनो न कोनो यही संविधान के तहत
जे संविधान स्वार्थ के लिए बनल छी, स्वार्थ रक्षा के लिए बनल छै, जेती खूनी प्रधानमंत्री के स्वार्थ पूरा नहीं हेतै ओती खूनी दुरुपयोग करतै, अधिकार दुरुपयोग करतै, संविधान ओवरटेक करतै, कु करतै, ई काज होइत रहलै। देखियौ ना, आज तक जतेक संविधान बनलकै, संविधान बनाए वाला ही संविधान के दुरुपयोग कलकै, प्रतिगमन कलकै, संविधान में कु कलकै। आज तक जतेक संविधान बनलै अपना हित रक्षा के लिए बनलकै, और जब ओकर स्वार्थ के रक्षा नहीं भेलै उ संविधान के कु कलकै। आ देख लियो ना, 17 साल में की भेले, तेरा बाद 59-60 में की भेले, तेरा बाद अहाँ के ई संविधान जब 72 के संविधान, ई संविधान के की भेले, जब जब संविधान अंतिम संविधान बनले तो ओकर की भेले, संविधान बनाए वाला जे जे शासक वर्ग के लोग रहे वह संविधान के कुकल। पुनर्स्थापना की अगर बात करी तो अगर पुनर्स्थापना भ जाए तो केहन किस्म के गठबंधन बन सके, किया तो अपने एक डर वाला बात अपने ही कह दिली कि अगर पुनर्स्थापना भइयो जेतै तो फिर जे नया प्रधानमंत्री चेंज हो के अवस्था सृजना नहीं भ सके छै। नहीं 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 बुझिए, ये जब दाव पेच दाव पे नहीं, हाँ हाँ एक तब नहीं होती इसे हो, एक तब अवस्था बन सके थे, दूसर की भाव सके थे कि फिर वो कर देते ना की करवे कोनो ऐसे ही झूठ मुझे का धारा दिखा के विघटन करते, चुनाव में जाम कहते, चुनाव में ऐला के बाद भी विघटन करते, ये भइए न सके जी, यही से देश चलिए नहीं सके। हम यही में पढ़ी नहीं चाहे छी ना, ओली समूह के यहां से बाईपास कर देबे, हां फिर वही चक्कर में हमरा सके नहीं फसाऊ ना, वही वो मान्यता हमरा, हम तो थाई समाधान के बात कर रहल छियै, ई देश सरकार बनबा के चक्कर में नहीं जेबे, ई देश के कथी करबे, यही कोठी के धान वही कोठी में, वही कोठी के धान वही कोठी में, वही कुर्सी पर ओकरा हटा के ओकरा रखू, ये तो भर रही देश में। एहि लेल औपनिवेशिक शासन अंत होबे के चाही, एहि देश में औपनिवेशिक एकल जातीय औपनिवेशिक शासन जब कभी भी चल रहे, राणा शासन में भी औपनिवेशिक शासन चल रहे, नस्लीय शासन अहाँ के राजा महाराजा के भी वही औपनिवेशिक शासन चल रहे, ते बहुदलीय व्यवस्था अला के बाद में एकल जातीय शासन चल रहा है, नस्लवादी, तो यही सब देश के मुक्ति चाहिए की, यही ले यही ये सब चक्कर है की, गोल चक्कर से नेपाल के निकाल के पड़ते की, नेपाली जनता के समृद्धि के लिए गोल चक्कर से निकाल के पड़ते। हम पहले कहने की प्रकृति वरदान दिले देश के, देश में सब कुछ है लेकिन दुनिया के सबसे कंगाल देश बन गए नेपाल, यही लेल राजनीति चाहिए, यही लेल शासन संविधान चाहिए, देश और जनता के लिए चाहिए राजनीति संविधान, जे देश के समृद्धि और प्रगति भ सके, सुखी नेपाली और समृद्ध नेपाल बन सके, खाली नारा में खाली केपी ओली के बस नारा देला से होइछे, उ बनावक के लेल हम पहले कहली, हम बार बार कहे छी कि पानी में जल स्रोत के मामला में नेपाल दोसर स्थान छी, 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करे के क्षमता छै, खाली विद्युत उत्पादन भेल रहती ना नेपाल स्वर्ग भ गेल रहती है, सैकड़ों वर्ष से पानी बह के जा रहा है, लेकिन राष्ट्र कहाँ गए हमारे राष्ट्रवाद, अभी सुनू ना, सुनू, अरे बाप रे बाप, नहीं, कहाँ कौन दुनिया में छी, सब वह संविधान और शासन तो रोक ले छे, सभे के देश बना के पड़ नहीं हो, सभे के देश बना के पड़ अहू के देश, हमरो देश, हिमाल पहाड़ तराई, सभे के देश, हमारे पूरा बात सुनू ना, बीच में नहीं करियो ना, हम ये कह रहा कि शासन और संविधान समृद्धि के लिए होब के चाहिए, और तब हेतु जब सभे पूरे देश के जनता के लिए शासन संविधान हेतु, हम समृद्धि और प्रगति देश के संभावना छी प्रकृति के लिए, पर हम केना हेतु इसे हम रही कही, पर एतेक बड़का पर्यटन छे, पर्यटन के सदुपयोग करते ना तो एतेक पैसा एतेक आय वाला छे, एतेक भारत और चीन बहुत बड़का देश है ना, 5-10% मात्र लोग इस देश में आ जाए, सस्ता पर्यटन छे ना, देश स्वर्ग भ जेतै, देश में हिमालय यही देश में छै, दुनिया में नहीं छै, बुद्ध जन्मल देश ये थे, जन्म शासक हो गए से नहीं छे, हां तो वो जे एजेंडा नहीं छे की, हां तो तै लेल वही पर चर्चा करे, सुनो आ सबके बहुत खुदरिया बात में फंसा दी छे की, अरे देश समृद्धि के तरफ केना जति, नेपाली जनता के कल्याण केना हेतै, ओय पर का कला न होई छे, ई नस्लवादी जे एजेंडा भिरा दे रहे, एजेंडा पर घुमा फिरा के चर्चा करी छे, यहां देखे छे मीडिया सबके, ई मतलब ई जे गोल चक्कर सब भिरा देले छै, जे 250 वर्ष से गोल चक्कर में नेपाल नेपाली घुमा रहल छै, वही में केंद्रित होके डिबेट होइ छै की, ओहि से बाहर निकले नहीं दै छी, जब निकले तो प्रयास करै छी फेर वहां उहे लिए अबै छी, तो वहां नहीं लाऊ ना, अरे वही गोल चक्कर से नेपाल के बाहर निकालियौ ना, सब गोल चक्कर से निकालते के
ओ तई के तो वहु ओहो पर चर्चा होबे के चाही नै निकालत ओइ गोल तो वही पर आइजे के राजनेता निकालत आइजे के संविधान निकालत आइजे के शासक सब निकालत ने देश के समृद्धि के जखन बात होय छै तो अरे तो वह चर्चा कर जाई तहां ओ निकाल लै छै पहिले ई चर्चा करू ना चर्चा के तैयार छै कि नै नै तो ऊ तो गोल चक्कर छै ओ गोल चक्कर नै 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 ऊ गोल चक्कर छै यहां जे कह रहल छी संसद पुनर्स्थापन या निर्वाचन ऊ गोल चक्कर छै ऊ गोल चक्कर में नेपाली जनता के समृद्धि नै होतै प्रगति नै हेतै अधिकार ओकरा पहचान नै भेटतै ऊ गोल चक्कर से बाहर निकालै के पड़तै कि और गोल चक्कर से बाहर निकालबै हम सब जनता समाजवादी पार्टी के निर्माण ओही लेल भेलै देश में जनता वैकल्पिक शक्ति के चला गोल चक्कर से निकाल जनता के लॉ जेते से अपने करल छे देश के लॉ जेते जनता ए देश के जनता विकल्प के खोजी में छी 70 वर्ष से देखल के नहीं कम्युनिस्ट कांग्रेस के बार बार मौका दल के नहीं हो और दो तिहाई मौका दल के कम्युनिस्ट के की कुकर्म कर रहा छे ई केपी ओली और प्रचंड की कुकर्म कर रहा छे देख रहे जनता कांग्रेस विगत में की विकल्प कुकर्म कर के नहीं देखल के जनता 70 वर्ष में जनता बार बार इस सबके मौका दिल के लेकिन के बात लेकिन सुनो सुनो लेकिन कम्युनिस्ट और कांग्रेस नाम के जे 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 तत्व है देश और जनता के लिए काज निकल के शासन के लिए शासन और स्वार्थ के लिए शासन देश और जनता के लिए निकल के यही ने काज कर के पड़ते और काज कर के लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिए देश के तेसर पार्टी जनता राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल और चौथा पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों मिल के जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भेले और सभे के समेट के देश में विकल्प देवे के छे और वही अभियान में हम सब लागल छे हिमाल पहाड़ तराई मधेश के जनता मिल के विकल्प बनाबे के छे यही लेल पार्टी में हम तो कहीं बता दी छी विकल्प केना बनते कांग्रेस से विद्रोह करके कांग्रेस पार्टी अपन काज नहीं ठीक से करके जनता के लिए महंत ठाकुर वहां से विद्रोह के आयल छे ये माले पार्टी ठीक से निकल के अशोक राई वहां से विद्रोह करके आयल छी माओवादी ठीक से निकल के बाबू राम विद्रोह करके आयल छे उपेन्द्र यादव अपने मधेश आंदोलन के उत्पादन छे और 30 वर्ष लगातार 30 वर्ष से मधेश आंदोलन कैल सुधाना पार्टी के कार्यकर्ता हमारा ऐसा कार्यकर्ता से जमात में छे तक बाद और भी पहचानवादी अधिकारवादी सारा इकट्ठा भ रहा है अल्टरनेट फोर्स बनते ही वैकल्पिक शक्ति बनते शक्ति के निर्माण वैकल्पिक निर्माण करके और गोल चक्कर से नेपाल के निकाल के छे गोल चक्कर के बाद जे अपने कर रहल छी तखन कहलिए समृद्धि के बात कैल जाए ई सब बात छोड़ दियो तो हम अपने से ई बुझ चाहे छी जे हिसाब से अपने कहलिए कि मधेसी उत्पीड़ित जते छे नेपाल के तो उत्पीड़न में पड़ल छै पहचान नै भेटलै अधिकार नै भेट रहल छै ताहिके बाद अपने समृद्धि के बात के लिए ई सब किछु हासिल करक लेल पहिल प्राथमिकता संविधान नीक हो पड़ल तो आंदोलन की चीज के लिए अखन हुआ के चाहिए संविधान पुनर्लेखन के लिए हो के चाहिए ने? जी बिल्कुल पुनर्लेखन संविधान पुनर्लेखन के लिए आंदोलन करे के चाहिए अखन न कि चुनाव में जाय के लिए या पुनर्स्थापना करे के लिए नहीं तो पुनर्लेखन के लिए किया ने अहाँ सब आंदोलन उतर रहा है कि आई बात अहाँ हाँ हाँ बात संविधान निर्माण भेले तहिया से लेके आई तक ले हम सब ते से कह रहल छिए संविधान निर्माण भेले त संघर्ष कैली दर्जनों मधेसी शहादत गेल गई छः महीना देश में संघर्ष भेले दुनिया में एहन संघर्ष कतौ नहि भेल ते नेपाल में कलकै मधेसी जनता कलकै ना तहिया से संघर्ष कर रहल छै जब संसद बन गेलै त संसद में आके संघर्ष कलकै संसद में संघर्ष के आई बिहान आई बिहान आई बिहान समर्थनो दिली सरकार के निकल गई समर्थन फिरता के लिए सब कुछ भेले कुछ हमर साथी सब संशोधन कर दे दू पॉइंट एजेंडा लेके समाजवादी उपेंद्र जी सरकारों में गेले जब ओते नहीं कुछ कल की तो लौटबो कल एकता कल के तो ये सब तो हम सब करिए संघर्ष तो करिए रहल छी लेकिन अब हमरा सबके बुझा रहल है कि ये अहाँ कहलिए ना ये बार बार हम कहे गोल चक्कर से हमरा सबके निकले दिया आ घुमा फिरा के पुनर्स्थापन या कभी चुनाव के तरफ उठा नहीं चाहिए वो तो ठीके है वो पर अभी नेतृत्व करा पड़ रहा है तो वही के लिए वही के लिए जनता समाजवादी पार्टी निर्माण भेल छे और वही के लिए तो कह रहा छी कि एक पूर्ण आंदोलन करे के पड़ते एक वैकल्पिक निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करे के पड़ते राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन करे के पड़ते ना वो अभी से माहौल तो बनाबे के पड़ते परिस्थिति बनते ना तो तेल उ थाई समाधान नहीं छे उ तो टेम्पररी सब कह रहा जी तेल पुनर्स्थापन है तत्काल एकटा आदमी हरते दोसर आदमी कुर्सी पर बैठते तो इसे को स्वार्थ पूरा भ जते देश और जनता के या चुन पहले अपने सर कनी एकर कंक्लूजन छोट में कहा जाए एकटा तो पहले अदालत के बात माना के अपने से मानबे उ तो चुकी चुकी लोकतंत्र भरोसा कर जी तेल लेल बात कहे के लेल अदालत के
अभी तक ले नहीं के, अभी उ करे के लेल तो लोकतंत्र के मूल्य मान्यता हटा के जंगल में जाए के पड़ते, बंदूक उठावे के पड़ते, से सब करे के पड़ते। तो पार्टी के लाइन तो नहीं ना कि नहीं मानवे, से तो नहीं कह सकै छी ना। हमरा सबके विश्वास ही कि अदालत संविधान के ठीक से व्याख्या करते, ठीक से व्याख्या करते, ये बात है से व्याख्या करते। हमरा सबके विश्वास से प्राथमिकता में पुनर्स्थापना, और पुनर्स्थापन तो मतलब जो विघटन कर ले छै ओकर इमीडिएट इलाज तो वह छै ना। अदालत के अभी तक ले मानल गेल लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता ग्राहक मानक के लिए मजबूर हो। प्रसंग बदल जाए, अपने धनसा क्षेत्र नंबर 3 के सांसद अपने के सांसद अखन कहल जाए पुनर्गठित प्रतिसभा के सांसद कहल जाए। अब जनता जनता तो 5 वर्ष के लिए चुन के रही भेज ले, आई गलत केपी वाली गलत गलत तरीका से प्रतिनिधि सभा के विघटन कर दिल के, तो जनता के प्रतिनिधि के हत्या कल के, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के हत्या कल के। तै लेल हम सब तो कहै छी तू गलत कहले छ, तोरा सबके तोहर कार्रवाई गलत छ। तो देखियो कोई बात नहीं छे, अभी जे कहलियो कोई बात नहीं छे। आब अतुका जनता ई कहै छै, एहि क्षेत्र के जनता सब, राजेंद्र महतो की केलकै धनसा क्षेत्र नंबर 3 के लेल? धनसा पहिलका बात तो धनसा 3 नंबर क्षेत्र के लेल मात्रे राजेंद्र महतो काज करली से बात नहीं, पूरे देश के लिए काज कर, पूरे जनता के लिए, देश के लिए। अधिकार देखो चुनावों में हमारे एजेंडा रहे, अधिकार और पहचान के लिए काज करे के छै। इस देश में अधिकार और पहचान चाहिए, मधेसी जनता के भी चाहिए, आदिवासी जनजाति के चाहिए, सबके चाहिए। और यही के लिए हम सब संघर्ष कर रहा छे। हमरा सके पार्टी के हमरा सके मुख्य एजेंडा अधिकार पहचान मुख्य एजेंडा से छे, आ तेकरा बाद बाकी बात छे, तेकरा बाद क्षेत्र के बात छे, जनता के बात छे, क्षेत्रीय ठीक छे अपना जगह पर। तो वही के लेल जे अधिकार पहचान के बात है, वो जहाँ जनता हमरा भेज ले संसद में, वही संसद में जाके जितना हमरा क्षमता बुद्धि विवेक रहे हम देश और जनता के लिए आवाज उठेलिए। अब से देश और दुनिया देखबे कल के, तो वो अपन हम धर्म निर्वाह करबे के लिए। दोहर तक बाद क्षेत्र के लिए की कैलिए, तो क्षेत्र में सबसे बड़का समस्या रहे यहाँ विधि के शासन स्थापना करे के रहे, यहाँ भय डर आतंक एतेक जोर से रही फैला दिले अपना कहे वाला बड़का पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी तहिया तत्कालीन अवस्था में। अभी ओकर स्थान कम्युनिस्ट पार्टी लऽ रहल है, भय आतंक फैलाबे के प्रयास कर रहल छै, लेकिन हेतै नहि। तो कांग्रेस पार्टी के एतेक आतंक रही क्षेत्र में ई धनुषा में कि ओकर बात नहीं मानू तो अहाँ पर तुरते देन एंड देयर मुद्दा जेल में जाऊ, चंदा नहीं तो जेल में जाऊ। उद्योगपति व्यापारी से लेके आम जनता तक त्रसित है, कहीं विधि के शासन नहीं छी, फलाना के शासन जैसे नारा रही मान्यता रहे, और वर्षों वर्ष से जनता उकुस मुकुस में रहे। तो पहलका काज तो ही भेले कि वही निर्वाचन से, ये निर्वाचन विगत में भेले, वही निर्वाचन से विधि के शासन स्थापित भेले, भय डर त्रास आतंक जे रहे ओहिमे कमी एलै, ओ समाप्त भेले। भय डर आई आई क्षेत्र के जनता यहाँ जनकपुर के उद्योगपति व्यापारी ई छै निर्भय छै, ओकर डर भय त्रास नहीं छै कि फलना नेता हमरा मुद्दा लगा देत, ओकर बात नहीं मानबी, ओकर चंदा नहीं देत, हम मुद्दा लगा देत, जेल में ठूस देत, हमरा फंसा देत, से नहीं छै डर भय त्रास। जनता मुक्त भेले भय, सब पहिलका बात तो जनता भय से मुक्त होना जरूरी छै, जनता सशंकित रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब एहि हिसाब से रहे कि अपने दिया ई कहे कि बहरिया छै पहिलका बात डर भय त्रास आतंक से मुक्ति भेलै। सबसे बड़का जीवन में आदमी के जिय के लेल आतंक से मुक्ति चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए। यदि नेता से और पार्टी से लोग भयभीत भ जाए तो जीना दुर्लभ भ जाय छै, तो से बात यहाँ जनता के रही आतंक रहे, वही से जनता के मुक्ति भेटले। पहिलका सबसे बड़का काज ई भेलै, और वो अभी अभी फेनु कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, जो सरकारी पार्टी, उसने कहीं कहीं करे के प्रयास कर रहा है। तब एगो आतंक एगो कथी कहे आतंक फैलाए वाला के जनता सबक सिखाइए दिल्क, इसलिए दोसर एहन करे के काम प्रयास नहीं करो, ओकरो नहीं चले वाला छे। दोसर बात की छे कि जनकपुर के जनकपुर नगर पालिका के जे पहले के नगर पालिका रहे, जनकपुर जो पहले के रही 5 वर्ष पहले, वही जनकपुर में आई जनकपुर में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ काज भेले है, कुछ काज 5 वर्ष पहले लोग आके देखते जनकपुर में दोसर परिवर्तन है, विभिन्न प्रकार की योजना सब रुकल रहा है,
योजना सब अगाड़ी बढ़ल है जनकपुर कुछ विकास के मामला में आग लगे छे, दमकल नहीं पहुंचे छे। हाँ उ तो दुर्भाग्य छे, उ तो हमारा ओहि दिन मेयर के हम कहलिए सामने एकटा कार्यक्रम में कि जनता के घर जर जाए और दमकल बिगड़ल रहे तो यही से बड़का दुर्भाग्यपूर्ण किछो भइए नहीं सके छे। तो ये बात नोट कैले छी पार्टी, ये पार्टी जनता नोट कैले छी, पार्टी नोट कैले छी और ये बात के मेयर के बैसा के सामने में जनता के सामने में ये बात के कहल गेले कि ये अपराध है, ये जनता के प्रति अपराध है, ये अपराध नहीं कर सकी जनता अहाँ के लिए न चुनले छे, पार्टी ए लिए अहाँ के टिकट नहीं दिलके कि जनता के पीड़ा के ऊपर पीड़ा हाथ थपियो, जनता के दर्द में दू दू टा दमकल रखल छी अगर बिगाड़ के रखले छी अहाँ संवेदनशीलता नाम के चीज नहीं छे। तो ये बात सार्वजनिक रूप से पार्टी कहल कि सार्वजनिक रूप से हम अपने खुदे कहलिए और अल सब है सब ये सब व्यवहार ठीक नहीं छे, बोली ठीक नहीं छे, से जनता के गुनासो छे, से हम आग्रह कर रहल छी ना, हम तो सार्वजनिक रूप से ही कहलिए ना, हम अपन प्रतिनिधि हमारा पार्टी के प्रतिनिधि निर्वाचित जनता वोट दिले छी, निर्वाचित कैले छी, जनता के साथ ठीक ढंग से व्यवहार होबे के चाहिए अपने के क्षेत्र में जनकपुर उपमहानगर और अहाँ सुनू ना, हम विकास के मामले कहिए जनकपुर के जे रूप स्वरूप ही परिवर्तन के तरफ जा रहा है, पचासो वर्ष के एक ओवरनाइट सब कुछ पाँचे साल में भजती वो तीने साल भले अभी तो पचासो साल के तीने साल में सब कुछ कायाकल्प भजती से बात नहीं लेकिन वही प्रक्रिया में गले बहुत ढंग के कार्यक्रम बजट सब रुकल रहा है, वो कार्यक्रम सब अगड़ी बढ़ल, वो नगर पालिका कुछ काज अगड़ी करबो कल की काज में तो नगर पालिका तो अगड़ी कल के ही ना काज तो धन्यवाद के पात्र छेबे करें लेकिन और जो जनता के हित में करे के चाहिए नहीं दिखाई दिल के तेल जनता आलोचना करी छी तो कह सुधार कर पहिल का बात दोसर का बात दोसर का बात क्षेत्र में जनता के हमरा किसान छे कि किसान से भरल छे जनकपुर से बाहर जे किसाने किसान छे ना वहां फुलगामा के मनियारी एटा सिंचाई योजना छे बरसो पचासो वर्ष से वहां के जनता रहली आशा लगेले कि कहिया हमरा खेते पानी आते, मनियारी सिंचाई योजना केंद्रीय सरकार कभी ढुबा नहीं दिलकी, मजबूरन प्रांतीय सरकार के एक तो प्रांतीय सरकार के ढुबा नहीं दीजिए अधिकार नहीं दीजिए सारा बजट केंद्र में रख ले संहिता के बदनाम करे वाला काज कल की के पी ओली जो भी प्रांतीय सरकार में थोड़ा बहुत बजट रही वही बजट से मनियारी सिंचाई योजना काज शुरू कैल गए जो जनता के सैकड़ों बीघा जमीन के सिंचाई हेतु वहाँ कथी कहे जठही में सिंचाई योजना शुरू कैल गए जो जनता के वाला बात है संसदीय कोष से जनता के कुछ मांग जो छोट मोट मांग थी उ का सब तीन वर्ष में भेले तै लेल सीमित साधन स्रोत छे ओहि में जतेक सकी ओतेक प्रयास भ रहल छे लेकिन तीन वर्ष के अवधि एतेक छोट छे कि ओहि में पूरा सब कुछ के जनता के बात करी त एकटा बड़का इच्छा छे कि अपन शासन प्रशासन एले तीन तरह के सरकार छे कम से कम सफा भ जाए जनता पहल प्राथमिकता अत के जनता अपने ही पार्टी के एकदम ठीक है अध्यक्ष जया जनकपुर अबे छे तो कहे छे हमरा जाईला मन नहीं करे या गिराड़िए चौक से घिर जाके मन करे या कहन अबे रहे छे कि बहुत दुर्गंधी छे जनकपुर तो हम अपने से ई बुझा चाहे छे अपने क्षेत्र के माने नहीं भेले तो अई पर कते काज भेल देख रहल छे बिल्कुल अब अभी पर सड़क तो बन ली जनकपुर नगर पालिका में कुछ बनियो रहल छे बाकी छे बनियो जते अब सर सफाई के लेल हमरा बहुत सर सफाई पर बहुत हमरा इंटरेस्ट कि सर सफाई हम पहल के वर्ष में सफाई करे वाला मशीन जो होइ छे ब्रूमर उ ब्रूमर किन के देलिए नगर पालिका के कि सड़क सफा करू मशीन से रस्ती जल्दी जल्दी हेतै ना आ यही सड़क काल उ सड़क परसू सड़क कके ब्रूमर चला के सड़क सफा वही हम सफा करे वाला मशीन देलिए चलेबे नहीं करै छी रखल छी ओदा अब नगर पालिका के देले रही नहीं कर रहल अब कभी चलेला कभी चलेबे नहीं करै छी एहि लेल सर सफाई पर ध्यान देनाइ बहुत जरूरी छै ओ सुन्दरता होइ छै सड़क के सभ्य सॉरी नगर के सभ्यता ई धार्मिक पर्यटन स्थल छै ने यौ तै लेल सड़क के सभ्यता सफाई से होइ छै तऽ दूटा काज हम ओहि दिन कहली मेयर के कि यहाँ सफाई पर ध्यान दियौ आ हरियाली पर ध्यान दियौ एकटा तऽ हरियाली सड़क के काते काते हरियाली वृक्षारोपण वाला काज पर ध्यान दियौ आ दोसर सफाई पर ध्यान दियौ ई दूटा काज करबै ने तऽ कनिको विकास छै तऽ नीक लगतै एकटा महत्वपूर्ण बात सफाई से जुड़ल छै एकटा इहो कहल जाइ छै कि लैंडफिल साइट जे छै तऽ एकर लेल प्रयास पहिले से होइत आयल छै भोइल में ओ तऽ छुटियाल गेल छै जमीन अइ जे राखक लेल
लैंडफिल के बनाब गए जमीन छुटियाल गया है, लेकिन अहपर काज नहीं भ रहा है कतौ न कतौ इो एक कारण से कह जा रहा है। ए डी बी अल शहर चौड़ा भेले, लेकिन अब सुनू ना दुर्भाग्यपूर्ण है वह ए डी बी के बजट आयल है लैंडफिल फुलगांव बनाब के आयल है ना, महान नेता सब हो नहीं दिल्क इं के महान नेता सब अब सबको मालूम है ना नहीं हो दिल्क तब हाँ ठीक कहली लैंडफिल परिवर्तन भेले लेकिन लैंडफिल साइड के बिना तो नहीं हेती। आजकल के जमाना में तो पहल का अवस्थो नहीं है, बहुत कम जगह में आधुनिकीकरण जो करे छे ना ओकरा प्लांट रह के तो गंधो बाहर दुर्गंधो नहीं जाए छे ओकर प्रशोधन होइ छे जे भी होइ छे वेस्टेज निकले छे ओकरा प्रशोधन करै छे तो पहिल का अवस्था नहीं छे कि रखतो तो गन्हा जतो तो ई इसेओ बात नहीं छे। आजकल तो चेतना के कमी छे। हां बिल्कुल तै लेल आजकल तो कमो जगह में और बिना दुर्गंध रहित अवस्था से ओकर रिसाइकल करके ओकरा कहै छे प्रशोधन करके ओकरा काज दुनिया में भ रहल है। ई प्रशोधन जागरूक करे के चाहिए ओतुका जनता के कि बनावा दियो ना लैंडफिल तो जनता के सहयोग तो करे के पड़ते तो मतलब जमीन तो देवी के पड़ते ना। अभी सभी गांव वाला कहे हम बन ही नहीं देवे तो कहाँ जते आकाश में थोड़ी यहाँ के वेस्टेज नगर पालिका से निकल वेस्टेज कहाँ जते तो वही वहूँ के लिए नगर पालिका के कह रहा यहाँ गाड़ी बढ़ू एक गाड़ी नहीं भले एक जगह नहीं भले तो दोसर तेसर जगह प्रयास होबे के चाहिए। फिर दोसर बात अभी आधुनिक जो प्रविधि है ओकरा हिसाब से करियो लेकिन करके तो वही निकाय के नगरे पालिका के करे के निकाय तो नगरे पालिका करे के पड़ते ना तो ओकरा दबाव दे रहा कह रहा यहाँ कर प्रदेश दू के बात कर प्रदेश दू सरकार के काज करे के तौर तरीका केहन छे केना छे संतुष्ट छे अपने सब अपने के पार्टी के सरकार छे की छे कि सरकार शब्द के बहुत दुरुपयोग भ रहल छे। ई सरकार छे प्रदेश दू या पर एक से सात तक ले कोनो सरकार नहीं छे, सरकार के शब्द के दुरुपयोग छे। झंडा और डंडा पकड़ा देले छे आ सरकार के कोनो एकोटा जे की गुण होय के चाही ना से तो छै नै ना। प्रांतीय सरकार के ना अधिकार छै ना ओकरा बजट छै ना ओकरा कर्मचारी छै होइत होइत एकटा जे सरकार के एकटा अपन पुलिस नहीं होय उ सरकार हेतै यो ओकरा सरकार कहबै नगरपालिका के बड़ पुलिस छै लेकिन प्रांतीय सरकार के अपन पुलिस नहीं छै ना एकर कर्मचारी छै ना अपन अपन ना ओकरा बजट छै सारा 80% बजट केन्द्र में रखले छै तो संघीयता में एना होइ छै। हम सब तो कल्पना रही कहले कि संघीयता जो बनते ना तो अपन शासन अपन प्रशासन हेतै सारा अधिकार प्रांत में हेतै केन्द्र में चारटा मात्र अधिकार हेतै। हम सब तहिया गंदर के समय से कह रहा छी चारटा एक देश के रक्षा करे के सेना ओकरा हाथ में हेतै देश के रक्षा करे के विदेश नीति ओकरा हाथ में हेतै कहीं करेंसी पैसा छाप के नोट छापे के ओकरा अधिकार रहते और राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय गौरव के योजना केंद्रीय सरकार करते ये चारटा काम केंद्रीय सरकार बाकी सभी काम प्रांतीय सरकार के देवे जाए किछो भेटल किछो नहीं भेटल प्रांतीय सरकार के न बजट न कर्मचारी न अधिकार न किछो न पहचान न सीमांकन किछो सुनू हाँ किछो भेटबे नहीं कल ते प्रांतीय सरकार के बदनाम संघीयता के बदनाम करे के लेल नस्लवादी संघीयता विरोधी जब छे कांग्रेस कम्युनिस्ट सब सब संघीयता विरोधी छे के तो संघीयता के केना बदनाम कैल जाए तो किछो देबे नहीं करके तो अपने बदनाम भ जाते जनता कही जा मरल यही संघीयता करे एहन संघीयता नहीं चाहिए से जनता कहे यही के लिए प्रपंच संघीयता का सफल करे के प्रपंच अधिकार दिए के चाहिए जतेक अधिकार दिए के चाहिए ओतने भेटले से नहीं जतेक नहीं नहीं संघीयता के नाम संसार काजे नहीं भर ई संघीयता विरोधी सब छै नहीं के पी ओली प्रचंड संघीयता के लड़ले मरले बुझबे कर लिए लेकिन कथी हां लेकिन की प्रचंडो की लले से देखिए ले लिए कांग्रेस के भी संघीयता एजेंडा संघीयता के नाम संसार से काज करे के तैयारे नहीं छै नहीं सब कई लेल संघीयता के रूप छै एहि लेल खास कर दुनू प्रदेश में संघीयता के लड़ाई रही मधेश में संघीयता के लड़ाई लेकिन उ मधेश के जनता ही ई संघीयता केहन संघीयता एकरे कहै छै तो ओकरा फ्रस्ट्रेशन आ रहल छै ना तो की छै कि जनते का विरोध में आवाज उठाबे से ई सबके शरण छै कि तो ई सही ई सब अपहार छै कि काज से संतुष्ट छै प्रदेश दू के काज से अपने सब संतुष्ट छै नहीं से अपने कह रहल छै मतलब सभे हाँ एक तो संघीयता के हिसाब से नहीं अल ओहू में काज नया नया रहे काज करे के तौर तरीका भी नहीं मिल छे ना यहू में तो गड़बड़ी तो छेबे करे ना जे छे ओहू में 100% 100% ठीक तो नहीं छे ना वो तो गड़बड़ी छे ना
तो ओहो सुधार करे देने से ओतबले करे से हां ओ ओहु में गड़बड़ी छै लेकिन की छै कि जब ओ भेटती है ना अधिकार कानून कर्मचारी शासन प्रशासन सब कुछ भेटती है ना तब जाके टाइटली काज करे के ओकरो मजबूरी बाध्यता होती है लेकिन से नहीं अत किछु बदल के मतलब किछो नहीं नहीं एनी के ना ओनी के छोड़ देल के की संग इस संघीयता के जी बहुत बहुत धन्यवाद लिया थैंक यू दर्शक वृंद ओ छलथ राजेंद्र महतो जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आई हुनका सब बातचीत करे छलिए जे प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति से सदन विघटन कैल गेले तै के बाद विपक्षी दल सब अखन सड़क पर उतरल छे ओ सब अदालत के फैसला के प्रतीक्षा करल छे तो दोसर दिस सड़क पर सेहो ओ सब प्रदर्शन विरोध सभा कह रहल छे कि सदन पुनर्स्थापना हुआ के चाही संग संगे ओ सब कतो न कतो चुनाव के सेहो तैयारी कह रहल माहौल देखल जा रहल छे आई समसामयिक राजनीतिक विषय में चर्चा करे छले बेस्त नमस्कार।